मंडी में डाक नहीं होने से किसान बाजार में फसल बेचने को मजबूर। मंडी सचिव और व्यापारियों की साठगांठ से चल रहा सारा खेल। खबर खनिया थाना से है, जहां करोड़ों की लागत से बनी कृषि उपज मंडी खनिया थाना और बामुरकला इन दिनों वीरान पड़ी है। वहीं इन दिनों मंडी में किसान अपनी फसल लेकर आते हैं और मंडी में उचित रेट पर अपना अनाज बेचते हैं, पर यहां तो कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं खनिया थाना कृषि उपज मंडी एवं बामुरकला कृषि उपज मंडी की। यहां पर दोनों मंडियां वीरान पड़ी है और बाजार में व्यापारी किसानों का अनाज मनमाने दामों में एवं तौल में गड़बड़ी कर ले रही है। खनिया थाना कृषि उपज मंडी के सचिव से जब हमारी टीम ने चर्चा की तो मंडी सचिव का कहना था कि मुझे पता नहीं, ना होने की बात कर रहे और बचते नजर आते हैं। मंडी सचिव ने तो मुझे ना पता होने की बात कह दी, पर बाजार में किसानों का शोषण हो रहा है। मंडी प्रशासन और कर्मचारियों की मनमानी और व्यापारियों की साठगांठ के चलते किसानों को फसल बेचने के लिए बाजार में मजबूरन जाना पड़ रहा है। मंडी परिसर में डाक बोली की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों को फसल उत्पादन कर मंडी प्रांगण में लाना होता है, लेकिन डाक बोली ना होने के कारण मंडी सुनसान पड़ी है। डाक ना होने के कारण किसानों को मजबूरी में मंडी के बाहर व्यापारियों को मनमाने दाम पर फसल बेचना पड़ रहा। मंडी सचिव मंडी में रहते ही नहीं है, वही कृषि उपज मंडी अपने किसानों और व्यापारियों की राह देख रही है। वहां एक ही व्यक्ति ने मंडी की कमान संभाल रखी है और अलग लोगों को क्षेत्र की खबर देने के लिए फोन लगाने के लिए रखा है। जब कोई व्यापारी की गाड़ी लोड होकर बाहर आती है तो उसके कागज बना दिए जाते हैं और उसके बदले में सुविधा शुल्क ले ली जाती है। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। ये मंडी तो हो रही है, तो यहाँ व्यापारी खरीद रहे हैं जगह जगह जाके। क्या है ये दुकान है, खरीद रहा हूँ। जो भी किसान शासन के आदेश है, तो जो भी किसान डायरेक्ट बेच सकता है सौदा पत्रक से हो रही होगी, जो भी खरीद हो रही होगी। सर क्या कारण है कि मंडी से ज्यादा प्राइवेट दुकानों पर व्यापारी माल खरीद रहे हैं? तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है। सर आप मुख्यालय पर रहते नहीं, आपकी नॉलेज में कहाँ से? मैं रहता हूँ मुख्यालय पर, रहता हूँ। मैं यहाँ पे दो तीन बार होके आप नहीं मुख्यालय पर रहता हूँ। सर मंडी में डाक कितने बजे से शुरू की जाती है? 2 बजे से किसान जाके, पहले से परंपरा डली हुई है, 2 बजे माल लाते हैं, 2 बजे से डाक चालू होती है। मैंने प्रयास करे 12 बजे तक, बोले साहब किसान 12 बजे आते नहीं। कई किसान अपने ट्रैक्टर भर के अनाज के भरे वापस ले जाते हैं मंडी? ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर यहाँ कैंटीन व्यवस्था भी नहीं है? ऐसा कैंटीन का ठेका हुआ था, तो चुका है नया टेंडर आने से पहले। नए टेंडर की व्यवस्था, नए टेंडर आता दिन तक बाद होगा।